देश में जंगली जानवरों का शिकार बदस्तूर जारी है, जिसकी वानगी देखने मिली जबलपुर में, जहां पर रीवा जिले से तेंदुए का शिकार कर उनकी खाल बेचने पहुंचे जबलपुर के अधारताल में दो शिकारी एसटीएफ और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के हत्थे चढ़ गए। जबलपुर में बुधवार को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और एसटीएफ के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अधारताल क्षेत्र में दो आरोपियों को संदेह के आधार पर पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली तो उनसे तेंदुए की खाल बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी मनमोहन नामदेव और शैलेंद्र गुप्ता रीवा के निवासी हैं और दोनों लंबे समय से वन्य प्राणियों के शिकार और उनके अंग और खाल बेचने का काम कर रहे हैं। दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने रीवा के घने जंगल में तेंदुए का शिकार किया था और उसकी खाल निकालकर बेचने के लिए जबलपुर आए थे। जबलपुर में एक खरीददार को खाल बेचने की बात की जा रही थी, लेकिन इसी बीच एसटीएफ और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो है WCCB और एसटीएफ के द्वारा जो है संयुक्त कार्रवाई करके एक तेंदुआ के खाल जब्त किया गया था और ये जो है अपने कार्रवाई करके अभी वन विभाग को हैंडओवर किए थे। ठीक है, उसमें जब वन विभाग को हैंडओवर किए तो तेंदुआ के खाल पाया गया उसको और उसमें दो अभियुक्त मिले थे, एक का नाम था मनमोहन नामदेव और एक है शैलेंद्र गुप्ता। ये दोनों निवासी हैं वहाँ के रीवा के और इनको जो है एसटीएफ और WCCB के टीम जो है अपना कृषि महाविद्यालय के पास आधारताल के पास गिरफ्तार किए थे। इनके रिकॉर्ड हैं कोई पुराने? अब जांच में आएगी क्या पुराने रिकॉर्ड हैं इनके, है ना, और इनको तत्कालिक तौर पे प्रारंभिक तौर पे जो है अपना यहाँ प्रकरण दर्ज हो करके और माननीय न्यायालय में अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है।